अब ये वाला सम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने सारे कच्चे एक्स वाई से डिवाइड करना है, तो इसको भी एक्स वाई से डिवाइड किया, 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 इसको भी एक्स वाई से डिवाइड किया। तो ये एक्स एक्स कट गया, ये आ गया 6/y प्लस 3/x इजिकल टू 6 एंड 2/y इजिकल टू 4/x इजिकल टू 5। और 1/x इजिकल टू 1/y इजिकल टू पी और 1/x इजिकल टू क्यू। तो ये बन गया 6p प्लस 3q इजिकल टू 6 और 2p प्लस 4q इजिकल टू 5। अब खाली इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसके नीचे लिखेंगे, 6p प्लस 4 3 12 q इजिकल टू 2 3 5 50 माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया। यहाँ आ गया 12 में से 3 गए माइनस 9 q इजिकल टू आ गया 15 में से 6 गए माइनस 9, तो q इजिकल टू 1 आ गया, ठीक है। अब 2p प्लस 4 × 1 इजिकल टू 5, तो 2p इजिकल टू 5 माइनस 4, 2p इजिकल टू 1, p इजिकल टू 1/2। तो पी की वैल्यू 1/2 है, तो 1/y इजिकल टू 1/2, देयरफॉर y इजिकल टू आ गया 2। और 1/x इजिकल टू 1 है, x इजिकल टू 1, तो ये हमारा आंसर आ गया, y इजिकल टू 2, x इजिकल टू 1।